नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुडल CIA पुलिस की अवैध हथियारों की तस्करी पर कार्रवाई और नशा तस्करों की गिरफ्तारी से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। CIA होडल पुलिस ने आज फिर एक गाड़ी में सवार युवक के पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर युवक को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 3 लूट और 1 अवैध हथियार रखने की वारदातों का भी खुलासा किया है। पकड़ा गया युवक राजस्थान से हथियार लाकर हरियाणा में तस्करी करता है। होडल CIA पुलिस ने 1 सप्ताह पहले 3 देसी कट्टा, 3 पिस्तौल, 95 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की थी। अब पुलिस ने एक युवक के कब्जे से 13 देसी कट्टे पकड़ने में सफलता हासिल की है। होडल CIA इंचार्ज जंगेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गाड़ी में राजस्थान से भारी मात्रा में हथियार लेकर हरियाणा सीमा में प्रवेश कर रहा है। सूचना मिलते ही CIA पुलिस की 2 टीमों ने गढ़ी बिछौर रोड पर नाका लगाकर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही स्विफ्ट गाड़ी नाके पर पहुंची, पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोक लिया। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस ने उसमें देसी कट्टे बरामद किए। पुलिस ने गाड़ी चालक गांव नई थाना बिछौर निवासी संजीव उर्फ हनीफ को अपनी हिरासत में ले लिया है। होडल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। मामला था जो आपने आरोपी गिरफ्तार किए, हथियार बरामद की भारी मात्रा में, क्या मामला? कल गुप्त सूचना के आधार पर हमने नाका लगाकर, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसे संजीव पुत्र हनीफ ये नई गांव का रहने वाला है और डिजायर गाड़ी के अंदर ये हथियार लेकर अपने गांव में जा रहा है। राजस्थान से हथियार लेके आया है, तो नाकाबंदी करके मुखबर के आधार पर हमने इसको काबू किया और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में से 13 देसी कट्टा बरामद किए। अभी इसका आज न्यायालय में पेश करके इसको पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है क्या? हाँ जी, इसके खिलाफ 4 अपराधी के मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट है, स्नैचिंग है और RMX व एक अन्य मुकदमा दर्ज। कहाँ कहाँ पर दर्ज है मामला? ये फरीदाबाद में है, होटल में है, नू में है और एक राजस्थान में। इसे कितने हथियार बरामद किए गए? इसे 13 देसी कट्टे बरामद किए गए। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये राजस्थान से लेके आया था, राजस्थान में मुसेपुर गाँव पड़ता है, वहाँ से लेके आया था डिस्ट्रिक्ट अलवर में और अपने गाँव में लेके जा रहा। तो गांव में ये बेचने का कार्य करता है, तस्करी करता है क्या ये? हाँ, हमने तस्करी अधिनियम के तहत ही अभी हम पर्चा दर्ज किया है सर, आगे रिमांड पे लेकर पूछताछ की जाएगी। कहाँ कटाई करता था ये? तो हमने घर लेके जा रहा था सर। अभी तो किन किन धाराओं में दर्ज मामला था? हमने तस्करी का है, वेपन तस्करी का एक्ट में उसमें दर्ज किया। इसके हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।